जगदलपुर के किरंदुल के पास धनराज पहाड़ में पेड़ों की कटाई के बाद भाजपा ने आरोप लगाया है कि इस मामले पर भाजपा के पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जंगल की कटाई के लिए अनुमति देने का आरोप लगाया है। केदार कश्यप ने कहा है कि 12 फरवरी 2019 को वन मंत्री ने पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी थी और जिसके बाद से ही अब तक 20 से 22 हजार पेड़ इलाके में काट दिए गए हैं। केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तो इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अब तक कितने पेड़ काटे जा चुके हैं। केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले तो वनों की कटाई के लिए अनुमति देते हैं और उसके बाद आदिवासियों के विरोध पर अपने विधायकों और सांसद को भेजकर उनका हितैषी बताते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दोहरा चेहरा उजागर होता है जिसे बस्तर के आदिवासी भी अब समझ चुके हैं। जब उन्होंने ऑपरेस कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेशन इसकी जब अनुमति दी, उसके बाद जिस तरीके से अंधाधुंध वहां पर पेड़ों की कटाई हुई, लगभग 20 से 22 हजार, 25 हजार पेड़ कटे थे, 20 से 22 हजार पेड़ कट चुके हैं, तब मुख्यमंत्री जी को जब वो बैठक लेते हैं तब उनके जानकारी में ये नहीं रहता, विभाग की जानकारी में नहीं रहता कि वहाँ पर पूरे पेड़ लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। कि माननीय भूपेश जी ने परसों प्रेस लिया था और प्रेस लेके ये बोला कि यहाँ पर स्टील प्लांट के मुख्यालय की स्थापना होगी। मैंने सीएमडी से बात किया है, मैं यहाँ पर बात किया है कि ग्रुप डी और सी की परीक्षा होगी। जो चीजें यहाँ हमारी सरकार ने 2015 में कर लिया उस चीज को 2019 में बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, औचित्य नहीं है। भूपेश जी इसके लिए बस्तर वासियों से क्षमा मांगे, ये निवेदन करता हूँ मैं।